तो आप सभी का माटे टेक्निकल लर्निंग यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम आपके लिए इलेक्ट्रीशियन फोर्थ सेमेस्टर इंजीनियरिंग ड्राइंग की कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक और इंजीनियरिंग ड्राइंग के कुछ डायग्राम हम लेकर आ रहे हैं। ये आपके लिए परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो आप कृपया हमारे वीडियो को अंत तक देखते रहिए और इसमें जो हम इंजीनियरिंग ड्राइंग बता रहे हैं उसके बारे में आप अच्छे से ध्यान दीजिए और इसे एग्ज़ाम पेपर में जाने से पहले आप एक बार अपनी ड्राइंग कॉपी में ज़रूर बना लीजिए। तो आज हम देखने वाले हैं, फर्स्ट हमारी ड्राइंग है सिंगल फेज ओवर हेड सिरोपरी सर्विस लाइन, उसका यहाँ पर दिखाया गया है। इस ड्राइंग में किस प्रकार सिंगल फेज ओवरहेड को बनाना है तो ये ड्राइंग में दर्शाया गया है। अगली हम ड्राइंग में जाते हैं, तीन कोर बेल टाइप केबल दिया गया है कि इसमें किस प्रकार पार्ट अलग अलग बने हुए हैं, तो इस प्रकार तीन कोर बेल टाइप केबल की हम ड्राइंग बनाते हैं। अगला टॉपिक है तीन कोर एच टाइप केबल, तो तीन कोर एच टाइप केबल का डायग्राम आपके सामने है, तो इस प्रकार इसकी एक इंजीनियरिंग ड्राइंग तैयार करनी है। फिर हमारा आता है केबल की आंतरिक संरचना, तो केबल की आंतरिक संरचना की जो डायग्राम दिया है वो इस प्रकार का बनाना है और ड्राइंग हमारे को तैयार करनी है। हम आपको जितनी भी ड्राइंग बता रहे हैं यह सब परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट है और 100% इसमें से आने के फुल चांसेस बनते हैं। अगले ड्राइंग है वैद्युतिक पावर ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन कुंजी परिपथ, तो ये जो पावर ट्रांसमिशन सिस्टम है, डिस्ट्रीब्यूशन कुंजी सिस्टम है, इसके बारे में ये डायग्राम दिखाया गया है। अगली हमारी ड्राइंग है भीतरी सब स्टेशन का लेआउट, तो जो इंडोर सब स्टेशन का लेआउट है उसे किस प्रकार बनाना है तो ये आपके सामने है। और नेक्स्ट है इंडोर सब स्टेशन का की डायग्राम, ये दोनों डायग्राम को देखते हुए आप कंपैरिजन करते हुए आपको ये समझ में आना चाहिए। अधिकांश बच्चे यहाँ पर डाउट महसूस करते हैं कि इंडोर सब स्टेशन का लेआउट किस प्रकार बनाना है और इंडोर सब स्टेशन का की डायग्राम कैसे बनाना है, ये दोनों का डायग्राम जो है अलग अलग है, तो आपको जो भी एग्ज़ाम में पूछेगा तो वहाँ डायग्राम देख कर आपको बनाना है, ठीक है। इस प्रकार ये लेआउट डायग्राम है। अगला हमारा टॉपिक है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन का लेआउट बनाना, तो ये जो ड्राइंग दिखाई गई है यह हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन का लेआउट है। अगली ड्राइंग है हमारी पोल माउंटेड डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन, यदि एग्ज़ाम में पोल माउंटेड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम आता है तो हमें इस प्रकार एक ड्राइंग की रचना करनी है और ड्राइंग को बनानी है। अगला हमारा टॉपिक है स्विच तथा हॉर्ने कॉप फ्यूज के साथ 11 kV 43245 वोल्ट पोल माउंटेड डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन लेआउट तैयार करना, तो इस ड्राइंग की सहायता से हम उस लेआउट को तैयार कर। अगली ड्राइंग है ITI कैंपस के डिस्ट्रीब्यूशन तंत्र का एकल लाइन डायग्राम से प्रदर्शन, तो यह डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का सिंगल लाइन डायग्राम है जो आपके पास दिखाया गया है। अगली ड्राइंग है हमारी चार मंजिला इमारत हेतु राइजिंग मेन प्रणाली, तो यदि ये क्वेश्चन आता है कि 4 मंजिल की यदि हमें इमारत तैयार करनी है और उसकी राइजिंग मेन प्रणाली को किस प्रकार डायग्राम द्वारा चित्रित करना है, तो इस प्रकार हम एक ड्राइंग की संरचना तैयार कर। नेक्स्ट हमारी डायग्राम है 11 kVA 433-200 वोल्ट पोल माउंटेड डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन का लाइन डायग्राम है, तो इसके सहायता से हम लाइन डायग्राम को बना सकते हैं। और क्वेश्चन नंबर अगला है CTPT व आइसोलेटेड सही सब स्टेशन का एक रेखीय चित्र बनाना है, तो ये दोनों ड्राइंग जो है इम्पोर्टेंट है और यदि हमारे एग्ज़ाम में आती है तो हम इसे अच्छे से तैयार करते हुए ड्राइंग बना सकते हैं। अब हम आपको दिखा रहे हैं कि अगले इंजीनियरिंग ड्राइंग का टॉपिक है 4 अल्टरनेटर इकाइयों सहित एक पावर स्टेशन का निर्माण करना, तो ये सामने जो ड्राइंग दिखाई गई है यह 4 अल्टरनेटर इकाइयों सहित एक पावर स्टेशन का डायग्राम है। अगली हमारी ड्राइंग है अल्टरनेटर की उत्पन्न EMF मापने का पैनल बोर्ड, तो इस पैनल बोर्ड की सहायता से हम अल्टरनेटर की EMF ज्ञात कर सकते।
अगला इंजीनियरिंग ड्राइंग है घूर्णित क्षेत्र प्रकार के अल्टरनेटर के मुख्य भाग। यदि हमें अल्टरनेटर के मुख्य भाग के रोटेशनल पार्ट का डायग्राम आती हमारे को पूछा जाता है तो इस प्रकार हमें एक अल्टरनेटर का बनाना है। यदि एक रोटरी कन्वर्टर की बात करता है तो रोटरी कन्वर्टर का डायग्राम इस प्रकार बनाना है। इसमें एक आर्मेचर है, स्लिप रिंग्स है, थ्री फेज सप्लाई है, पोल कोर है, फील्ड कॉइल है, कम्यूटेटर योक, इन सब के बारे में बना। अगला है हमारा टॉपिक ब्राइट लैंप विधि, पैरेलल ऑपरेशन ऑफ अल्टरनेटर की ये विधि होती है जिसे ब्राइट लैंप विधि कहते हैं। इसमें एक मेन अल्टरनेटर है और एक इनकमिंग अल्टरनेटर है और बस बार लगी हुई है, डब्ल्यू वी यू का कनेक्शन है। तो इस प्रकार हम ब्राइट लैंप विधि द्वारा पैरेलल ऑपरेशन ऑफ अल्टरनेटर का डायग्राम बना लेते हैं। अगला हमारा टॉपिक है सिंक्रोन क्रोस्कोप सही समानांतर में प्रत्यारोपकों की रनिंग का डायग्राम बनाना। इसमें मशीन ऑन लोड और इनकमिंग मशीन सहित एक सिंक्रोनोस्कोप सही समानांतर में प्रत्यावर्तकों की रनिंग का इंजीनियरिंग ड्राइंग में टॉपिक पर ड्राइंग बनाई गई है। अगला है हमारा फेज सीक्वेंस की जांच। इसमें थ्री फेज इंडक्शन मोटर टेस्ट, टू लैम्प एंड चौक टेस्ट, फेज सिक्वेंस टेस्टर, ये सभी को देखते हुए एक फेज सीक्वेंस को बना। अगला हमारा टॉपिक है एक डार्क तथा दो ब्राइट लैंप विधि द्वारा इंजीनियरिंग ड्राइंग तैयार करना और अल्टरनेटर का सेलिवमेंट पोल टाइप सेटर का निर्माण करना, रोटर का निर्माण करना और थ्री फेज मोटर के स्टार्टर के साथ कनेक्शन करना। आप सभी दोस्तों को ये सलाह दी जा रही है कि एग्ज़ाम पेपर के पहले आप कम से कम एक बार इस इंजीनियरिंग ड्राइंग को अच्छी तरह से अपनी वर्कशीट में तैयार कर लीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम पेपर जो है थोड़ा सा जल्दी होने वाला है। तो आपका सिलेबस में ये जो टॉपिक दिया है इसके लिए हमने आपके लिए लेकर आया है। यदि आपको हमारा चैनल अच्छा लगता हो तो अधिक से अधिक शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को भी ये वीडियो के लिए शेयर करने को कहिए। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। धन्यवाद।